पेज नंबर 15 भी देखिए, तो हम कहाँ पे थे, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि हवा का तेज बहाव था और उसमें उनके घर भर या मंदिर वंदिर की जो भी झोपड़ियाँ थी वो सब उड़ गई थी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वहाँ पर जाकर वो देखते हैं, एक महीने बाद जब वो जाते तो वहाँ पर देखते हैं कि उसे वहाँ पर नया पुजारी दिखता है। और नए पुजारी की क्या खासियत, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, रेड कलर के और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी होती है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। अब वहाँ पर एक उनका लड़का जो कि अच्छे ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में, जिसने सॉक्स शूज़ सब पहन रखे होते हैं, और वो इतने में आता है और आते ही उसने क्या किया, अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़। अब उस टाइम पे उसे याद आया कि वही लड़का जो कि मंदिर के बाहर भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे जूतों का एक जोड़ी मिल जाए, तो उन्हें अचानक से वही याद आ गया, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो वो सोचता है कि भगवान ने शायद उसकी प्रार्थना मान ली और उसे ये सब मिल चुका है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब उसी तरह जैसा पुजारी का बेटा था, उसी तरह जितने भी लड़के हुआ करते थे वो सब अभी क्या है, शूज़ और सॉक्स पहनने लग गए। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे रैग पिकर्स का मतलब होता है जो भंगार वाले होते हैं, प्लास्टिक की पन्नी लेकर घूमते हैं, भंगार इकट्ठा करते हैं, तो वो रैग पिकर्स जो हैं उसके अड़ोस पड़ोस में वो लोग अभी भी शूलेस यानी उनके पैरों में अभी भी जूते या चप्पल नहीं दिखाई देते। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द लेयर्ड माइल्स अवे फ्रॉम इट। Metaphorically, those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. अब उन्होंने वही कहानी बताई barefoot ट्रैक पिकर्स की, यानी कि ऐसे भंगार वाले जो कि सीमापुरी से आए थे। सीमापुरी जगह जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली से माइल्स अवे यानी कि ए माइल्स लग जाते हैं, माइल्स का समय है और चल चल के लोग जाते हैं, और जो कि वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो बांग्लादेश से किसी ज़माने में आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली उन्हीं में से थी, यानी कि वो ट्राइब थे कि 1971 में बांग्लादेश से निकाले हुए या भागे हुए जो कि यहाँ पर सीमापुरी में आकर बस गए थे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, अब सीमापुरी उसी टाइम में एक जंगली इलाका था या जंगल ही था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी वो जंगली है लेकिन अब वो पूरी तरह से खाली नहीं है, और तब खाली हुआ करता था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विथ रूप्स ऑफ टीन एंड तारापुलिन डिवोट ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। अब वो सीमापुरी एक ऐसा इलाका था जहाँ पर सभी लोग जो रहते थे वो पतरा का जो लोहे के डब्बे होते हैं पतरे के तेल वेल के, उसके टीन को तारापुलिन उसको ठोक पीट कर उसी से अपना छपरा बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। वहीं पर गटर का गंदगी वाला पानी होता है और वहाँ पर सारे भंगार वाले या सारे पन्नी उठाने वाले लोग, वहाँ पर 10,000 लोगों की संख्या रहा करती थी। दे हैव लिव्ड हीयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, अब वो वहाँ पर पिछले 30 सालों से रह रहे थे लेकिन उनकी अभी तक भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई जान पहचान उनसे नहीं बनी थी। विदाउट परमिट्स बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, ना ही उनकी कोई आइडेंटिटी थी, ना उनके राशन कार्ड में नाम थे, ना उनको वोटर लिस्ट में नाम था, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। अब इसी तरह राशन कार्ड में नाम भी नहीं था इसलिए उनको खाने के लिए ग्रेन्स भी नहीं मिल पाते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, अब जीने के लिए खाने आइडेंटिटी से ज़्यादा खाना ज़रूरी था। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रैदर लीव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन,
अब वो मानते थे कि अगर उन्हें पूरा दिन भी बीत जाए मेहनत करके और एक टाइम अगर वो अपनी फैमिली को खाना नहीं खिला पाते थे या बिना भूखे पेट दर्द के कारण या बिना पेट दर्द हुए किसी दिन पेट भर के खाना खा के सो जाते थे, ऐसा कोई दिन नहीं बीत पाता था। और अगर ऐसा दिन बीत जाता था तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होता कि उस दिन वो लोग बिना पेट दर्द के और पेट भर के उन्होंने खाना खाया और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से सोए। तो इस दिन के लिए मतलब वो लोग गरीब लोग तरस रहे थे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टाटर सारीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स वेयर एवर दे फाइंड फूड एंड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स। अब उनसे जब भी पूछा जाता था कि तुम यहाँ पर क्यों रहते हो जब तुम्हारी हरियाली वाला और नदी के किनारे जहाँ तुम्हारा घर हुआ करता था वहाँ से तुम हरियाली को छोड़कर यहाँ पे क्यों आके बसे, तो औरतें जो हैं वो कोई जवाब नहीं दे पाती थी बल्कि वो जो टेंट हाउस यानी झोपड़ा जो छोटा सा बना होता था उसमें चली जाते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उसी झोपड़े में उनके बच्चे बड़े हो जाते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, अब एक दूसरे में एक दूसरे का सहारा बनकर वो रहते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अब उनका सर्वाइवल यानी उनकी जो भी मदद करने वाले लोग होते थे वो भी उसी झुग्गी झोपड़ी के लोग रैग पीकर्स यानी भंगार वाले ही होते थे। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन हार्ट, अब इस तरह से साल भर का समय लग गया, धीरे धीरे ये भी चीज़ उनकी एक कला के रूप में साबित हो गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अब इस तरह से गार्बेज जो है वो उनके लिए सोने की तरह हो गया कि उनको उसमें से कभी कभी कुछ लोग कचरे में फेंक देते थे तो उनको खाना मिल जाता था, कभी कभी कुछ पैसे ही मिल जाते थे, इस तरह उनका जीवन बीत रहा था। तो वो लोग सोचते थे कि अगर उनके सर पे अगर छत है तो उनका जीवन खुशहाल है, क्योंकि कुछ लोगों के सर पे छत भी नहीं थी। इसीलिए जिनके सर पे छत थी भले ही वो छत टूटी फूटी हो, भले उनमें से पानी लीक होता था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खुशहाल मानते थे। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब से हिज आइज लाइटिंग अप, कभी कभार उनको 1 रुपया या कभी कभार 10 रुपये भी मिल जाते थे तो साहेब बोलते थे, क्या बोलते थे, हिज आइज लाइटिंग अप, उस दिन उनकी आंखों में चमक होती थी। देन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्रजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, अगर वो कहते हैं कि तुम भले ही कचरा ढोते ढोते हो सकता है किसी दिन तुमको चांदी का एक सिक्का भी इसमें से मिल जाए, लेकिन तब भी तुम जो है वो इस काम को बिल्कुल छोड़ना मत। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स देयर पेरेंट्स, इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चों के लिए गार्बेज जो है वो उनके पेरेंट्स से कुछ कम भी नहीं था। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अब बच्चों के लिए एक ऐसी खुशी थी जो खुशी किसी कागज में बंधी होती थी, और बड़ों के लिए ऐसी खुशी थी कि उनको रहने के लिए कहीं ठिकाना मिल जाता था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक दिन राइटर ने उन्हें देखा। विंटर मॉर्निंग यानी कि ठंड के दिन सुबह सुबह थे, तो राइटर ने साहिब को देखा कि वो दरवाजे गेट के फेंस में खड़ा था। Watching two young men dressed in white playing tennis, I like the game. अब वो देख रहा था कि दो आदमी जो हैं सफ़ेद कपड़े को पहने हुए वो टेनिस का गेम खेल रहे हैं, और ये चुपचाप से गेट के किनारे खड़ा होकर देख रहा था और बोल रहा था कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। He hums, अपने मन ही मन में वो कह रहा था। Content to watch it standing behind the fence, वो फेंस के बाजू में खड़े खड़े अपने मन ही मन में ये भुनभुना रहा था कि मुझे भी ये गेम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी ये गेम बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है।